मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल। अक्टूबर 2021 उत्तराखंड राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा व गर्जन के साथ बौछार हो सकती है। राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में 3,500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। चेतावनी जताई जा रही है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार जनपदों के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। राज्य के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चमोली एवं पौड़ी जनपदों के अनेक स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना। राज्य के कुछ स्थानों में मध्यम से तीव्र गर्जन के साथ आकाशीय बिजली व ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान होने की संभावना जताई जा रही है। 19 अक्टूबर 2021 उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के जनपदों के अधिकांश स्थानों में तथा गढ़वाल मंडल के जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा व गर्जन के साथ बौछार हो सकती है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के 3,500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। चेतावनी जताई जा रही है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की तथा ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ मौसम संबंधित सूचना समाप्त हुई।